वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। सब्जेक्ट मराठी, स्टैंडर्ड फिफ्थ, चैप्टर नंबर 28, फुल पाखरू आणि मधमाशी। लेसन का नाम है फुल पाखरू आणि मधमाशी। फुल पाखरू मीन्स व्हाट? फुल पाखरू का मतलब होता है बटरफ्लाई, तितली जिसे कहा जाता है, और मधमाशी, मधमाशी यानी मधुमक्खी, जिसे हनी बी भी कहा जाता है इंग्लिश में। आई का वासा, सुनो और पढ़ो। सकाळी बागेत एक फुलपाखरू स्वच्छदेपणे फिरत आहे, एक मधमाशी त्याचा जवळ येते। सकाळी, सकाळी मीन्स सवेरे का टाइम है। बगीचे में फुलपाखरू, एक बटरफ्लाई, एकदम अच्छे से वहाँ पर घूम रहा है। एक मधमाशी त्याचा जवळ येते, और उसके पास कौन आ जाता है? मधुमक्खी, मध यानी मधुमक्खी आ जाती है। अब ये मधुमक्खी और फुलपाखरू में आपस में बातें हो रही है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन बोल रहा है? फुलपाखरू यानी बटरफ्लाई। काय ग मधु, इतक्या घाई ने कुठे चाललीस? क्या रे मधु, इतनी घाई घाई में तू किधर जा रही है? किसने कहा? फुलपाखरू ने। किससे? मधु से। मधु, अरे मध गोड़ा करायला, अरे मैं मध इकट्ठा करने जा रही हूँ। मध यानी क्या होता है? हनी, शहद जिसे कहा जाता है। मधु का काम है, मधुमक्खी का ये काम होता है कि वो शहद को इकट्ठा करे। फुलपाखरू, थाम ना रे जरा, बग आज से सकाड़ कितनी सुंदर आहे। रुक ना रे जरा, देख आज की सुबह कितनी सुंदर है। मधु, हो रे तिकड़स कारंज बग कसत हुई थुई नाचते। हाँ, मुझे पता है वहाँ पर कारंज कितना सुंदर नाच रहा है। फुलपाखरू, अभी फुलपाखरू क्या बोल रही है? बागितली फूल झाड़ कितनी सुंदर दिसतात, फुलांचा सुहास सगळीकडे दरवळतो आहे, कि बगीचे में कितने सारे फूल खिले हुए हैं और वो कितने सुंदर दिख रहे हैं, और उसकी खुशबू से पूरा बाग महक रहा है। मधु, मंदवारा सुटला आहे कस छान वाटतंय, पण मला थांबायला वेळ नाही। मधु कह रही है सही बात है, कितनी मध्यम यानी मंद हवा मीन्स हल्की हल्की हवा चल रही है, और कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है रुकने के लिए। फुलपाखरू, थाम थोड़ा वेळ, रुक ना थोड़ा देर, आपण या गुलाबाचा फांदीवर बसून जरा गप्पा मारूया। रुकना थोड़ी देर, हम इस गुलाब की डाली पर बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। अब मधु क्या कह रही है? नको रे बाबा, इकड़े तिकड़े तुझ्या सारखा मजेत वेळ घालवायला मला सवड नाही। मी सकाळपासून निघाले खरी, पण मत काही गोळा करून झालेला नाही। वो कह रही है नहीं बाबा, इधर उधर घूमने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सुबह से निकली हूँ, लेकिन अभी तक शहद इकट्ठा नहीं कर पाई हूँ। फुलपाखरू, मध गोड़ा करायचं काम कुणी दिलं तुला? मध इकट्ठा करने का काम तुझे किसने दिया? मधु, आमच्या राणी माशी ने दिलं, हमारी जो रानी है उसने ये काम हमें दिया है। फुलपाखरू, अगं तरी पण तुला थोड़ा वेळ घालवायला काय हरकत आहे? अरे सही बात है, लेकिन थोड़ा वक्त तो हमारे साथ तो बिता ही सकती है। फुलपाखरू मधु को ऐसे कह रही है। अब मधु क्या कह रही है? मधु, तुझं मन मोड़ायला वाईट वाटते मला, तेरा मन दुखाने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पण करणार काय, लेकिन मैं क्या करूँ, काम तर कुणाला सुकलेलं नाही बाबा, लेकिन काम करना जरूरी है, वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। फुलपाखरू, काय ग एवढा मत घोड़ा करून तुला काय मिळणार, शेवटी ती माणसाचीच धन ना। वो बोल रही है फुलपाखरू की बात सही है, लेकिन तू इतने सारे शहद इकट्ठा करके क्या करेगी? आखिर में वो तो इंसान का धन है, धन यानी वो आखिर में इंसान के पास ही जाने वाला है।
मधु। असं कसं, आम्हालाही मध लागतोच। वो बोल रही, तू ऐसे कैसे बोल सकती है, हमें भी मध लगता है। मध किती औषधी आहे आणि किती उपयोगी पडतो ते तुला माहीत आहे। वो कह रही है, मध कितना औषधी है, यानी वो आयुर्वेदिक है और वो बहुत इस्तेमाल में आता है, तुझे ये बात पता है क्या? कौन कह रहा है? मधु। किससे? फुलपाखरू से। अब फुलपाखरू क्या कह रहा है? हो, मधात औषधी गुण असतात। हाँ, मुझे पता है कि मध में आयुर्वेदिक छुपा है, यानी उसमें औषधि है, वो दवा का काम करता है। हे खरा आए का ग, क्या सच बात है ये कि वो दवा का काम करता है? क्या दवा का काम करता है? मध, यानी शहद। शहद दवा का काम करता है, ये फुलपाखरू मधु से कन्फर्म कर रही है। मधु, अरे मध हा औषधीस आहे। अरे हाँ, जो शहद है वो दवा का ही काम करती है। फुलपाखरू, मध मला खूप आवडतो, मुझे भी शहद बहुत पसंद है, पण माझ्याशी गप्पा मारायला तुला वेळ नाही, लेकिन मेरे से बात करने का तुझे समय नहीं है। हे मात्र मला बिल्कुल आवडत नाही, ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। कौन कह रहा है ये? फुलपाखरू। किससे? मधु से। अब मधु क्या कह रही है? कामात मग्न राहणात यात शुद्धा आनंद अस्तो। काम में मग्न रहना, मग्न रहना यानी गुंत जाना, उसी को हमेशा करते रहना, या इसमें भी एक खुशी है। त्या शुद्धात आनंद अस्तो, उसमें भी एक आनंद मिलता है, एक खुशी मिलती है। तुझस बगना, तुझा सारखा सुंदर फुलपाखराला बघून किती आनंद होतो। इतरांच्या डोळ्यांना तू सुख देतोस, हेही तू करत असलेच कामस आहे की? वो कह रहा है कि काम करने में एक अलग खुशी होती है। अब तू ही देख, तू भी लोगों को सुख देती है। किस तरह से? यानी तू इतनी सुंदर है कि लोग तुझे देखते हैं, उनके आँखों को सुख मिलता है, खुशी मिलती है, ये भी एक काम ही है। फुलपाखरू, खरं सांगू का? तू इतरांना मोठेपणा देतेस तोच तुझा चांगुलपणा आहे। फुलपाखरू उसकी बात सुन के कहती है, एक बात बोलूँ, तू दूसरों को बड़ापन देती है, यही तेरी अच्छी बात है। मधु, तसा नाही रे। वो कह रही है, ऐसी बात नहीं है, तुझे विचार खूप चांगले आहेत। वो कह रही है, ऐसी बात नहीं है, तेरी जो सोच है बहुत अच्छी है, त्यामुळे तुला सगळेच चांगले दिसतात, इसीलिए तुझे सभी लोग अच्छे नजर आते हैं, म्हणून तुला तुझातला मोठापण दिसत नाही, इसीलिए तू कितनी महान है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बड़ी है, ये तुझे समझ में नहीं आता है। असे म्हणत मधमाशी निघून गेली। ऐसा कहते हुए मधुमक्खी चली गई। फुलपाखरू तिच्याकडे पाहतच राहिले और फुलपाखरू उसकी तरफ देखता ही रह गया। ये किसने लिखा है? बाल गाडगिल ने ये लेसन को लिखा है। उन्होंने ये बताया है कि इंसान में क्वालिटी होती है, लेकिन वो जाहिर बहुत बार नहीं करता, उसकी क्वालिटी को, उसकी अच्छाई को सामने वाला ही महसूस करता है। जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई में अच्छाई है, मोटापन है, वो महसूस कौन कर रहा है? मधु महसूस कर रही है, और वो इसे उसे बताते हुए, उसे समझाते हुए चली गई। Thank you.